देखो मन ने मेरे पैसे नहीं चाहिए, ना मैंने लिए ना मैं लूंगा, समझ में आ गई आपके? या घर में जो आपके छोरे वीरेन का हिस्सा है इब वो मेरा हुआ। क्या जरूरत थी आपको चंदेल के पास अपना हिस्सा गिरवी रखने की? पैसे चाहिए थे मुझे। ना तो उससे पैसे लेता, ना वो तेरे हिस्से की जमीन गिरवी रखता, ना वो धौंस जमाता हुआ हमारे घर में दाखिल होता। पर मां जरा ये भी तो सोचो, गलती तो आपकी भी है। जब वो अपने हाथ जोड़कर अपनी पूरी दौलत के साथ देव का रिश्ता मांग रहा था तो क्यों मना कर दिया आपने? अरे मैंने ना मना किया, तेरे भाई देव को करनी थी उस प्रधान की छोरी से शादी। तो उस चंदेल ने समझ जाना चाहिए था ना कि देव को उसका दामाद बनना पसंद ना है। अरे ना है पसंद देव को उसकी छोरी, तू जाने है कैसी कैसी धमकी दे के जावे है। एक बार तेरे सामने धमकी दी ना, तू तो उसी वक्त जान से मार डाले उसे। वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, उसकी ऐसी की तैसी। वीरेन, बैठो कांता, कहो कहना क्या है डॉक्टर जी। ये लीजिए लिफाफा, इसमें ज्यादा तो नहीं है पर कम भी नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस बच्चे का बाप कौन है, समझिया? देखो कांता, रिपोर्ट्स एकदम सही आई हैं तुम्हारी। जानती हूँ, पैसे आपको बच्चे के बाप का नाम छुपाने के लिए दिए जा रहे हैं, ना कि मेरे पाप छुपाने के लिए। एक डॉक्टर से सच छुपाने को कह रही हो तो क्या हुआ, पूरी कीमत दे रही हूँ मैं आपको। अब आप जा सकती हैं। ठीक है, मेरी रिपोर्ट। चलती हूँ। हेलो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम सोनोग्राफी नहीं करते हैं, आप आकर देख सकते हैं सर।
थैंक यू। कौन सा महीना है? कोई भी नहीं। ओके, टेस्ट करवाना है तो कोई बात नहीं, अभी टेस्ट करवा लेते हैं एंड तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी और फिर पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? कोई और बीमारी है? नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ये जो औरत अभी अभी आपसे मिलके बाहर गई है, ये कांता नाम है उसका, वो माँ बनने वाली है। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? अब आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर ये आपसे अपना बच्चा गिराने की बात करे तो प्लीज इसको मना कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ आपसे। तुम कौन हो और तुम्हारे कहने से मैं अपने प्रोफेशन को क्यों रोकूं? क्योंकि मैं आपको इसके पैसे दूंगी, आप बस उसे अबॉर्शन करने के लिए मना कर दीजिएगा, कोई भी बहाना बना दीजिएगा। कितने पैसे लाई हो तुम? आपको कितने चाहिए? ज्यादा सवाल नहीं पूछने के 5 और जुबान बंद रखने के 10। हजार या लाख? लाख। ठीक है, कल आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 5 लाख मैं आपको कल दूंगी, 5 लाख कांता को मना करने के बाद, और 5 लाख जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद। यकीन नहीं हो रहा। कल जब आपको पैसे मिलेंगे ना, आपको यकीन भी हो जाएगा। नाम आपका? नाम जानकर क्या करेंगी, पैसों से मतलब है ना, कल मिल जाएंगे, बस जितना कहा है उतना ही कीजिएगा। वाह रे किस्मत, देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। चौधरी चंदेल सिंह। हाँ भाई, मैं तेरा इंतजार करने लग रहा था। क्यों क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? अरे भाई वो तो करना ही था, इतनी बड़ी बात बोल के आया था मैं तो। घर में कोई ना कोई क्लेश तो हुआ होगा, मेरी बात निकली होगी, तूने गुस्से में कहा होगा। मैं अभी के अभी जाके देखता हूँ चंदेल ने, क्यों सही कह रहा हूं कि नहीं? तुम आदमी बहुत चालाक हो ये तो मुझे पता ही था, पर इतने धोखेबाज और इतने टुच्चे निकलोगे ये मुझे पता नहीं था। टुच्चा? टुच्चा भाई बहुत बढ़िया शब्द है टुच्चा। पर मैं टुच्चा था नहीं, तेरे घर वालों ने बना दिया मन्ने टुच्चा। बस चंदेल सिंह बस, मेरे घर वालों के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार जो मेरे घर में घुसकर मेरे घर वालों को जरा सी भी धमकाने की कोशिश की तूने। वाह भाई वाह, बड़ा ख्याल आ रहा भाई अपने घर वालों का। तब क्यों नहीं आया था जब मेरे पास थे पैसे उठाए थे? कोई एहसान नहीं किया तूने, ब्याज पूरा दिया है मैंने। है? भाई कहां से दिया जब मैंने लिया ही नहीं? अब नहीं लिया तो मैं क्या करूं, मैं तो आया था देने। अब यही तो भाई, यही तो चौधरी चंदेल सिंह का जो दिमाग है वो कंप्यूटर से तेज चाले। सोच, अगर मैंने रुपया ले लिया होता तो तूने अपने कागज मुझसे वापस मांगे होते, है ना? मैंने रुपया लिया नहीं, तुझे कागज दिए नहीं, तो भाई अब जो तेरा हिस्सा था
वो हुआ मेरा, है कि नहीं? वाकई में तुम बहुत टुच्चे हो चंदेल सिंह, बहुत टुच्चे। भाई मैं तो वही करूं जो माता शीतला मुझे ऑर्डर देती है। भाई एक बात और बोलूं, मैं कोई भी बात ना ज्यादा देर तक दिल में नहीं रखता, ये वजह है मेरा पेट भी साफ रहता है, सेहत भी बढ़िया रहती। अगर ये बात तेरे पेट में रहती तो तेरी सेहत बहुत बढ़िया रहती, तरफ शायद ना रहे। क्यों भाई? तूने पैसे नहीं लिए ना, जा। अब मैं तुझे पैसे देता ही नहीं, तुझे जो करना है तू कर ले। अब मैं पैसे भी नहीं दूंगा और अपने पेपर्स भी लेकर जाऊंगा। कोई भी चालक ही दिखाई दे या मेरे घर में घुसने की जुर्रत की तो जान से मार दूंगा। मरने मारने में तुझसे बड़ा टुच्चा हूं मैं, याद रखना इस बात को। दीदी कहाँ गए थे आप? ये सब पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है। जानती हूँ अधिकार तो नहीं है, पर पूछ इसलिए रही थी, मुझे जानना है कि वो औरत कौन है। कुछ कहा क्या मैंने? हाँ तो बोलिए ना, कहाँ गए थे?
दीदी भी आपके साथ थी? पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कुछ होता भी तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। आपकी मर्जी दीदी, अगर ये बात सिर्फ आपसे जुड़ी है तो मत बताइएगा, अगर इस बात का इस घर से संबंध है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। नंदिनी, संबंध किसी से भी हो इस बात का, ये जरूरी नहीं कि अपनी निजी जिंदगी की हर बात मैं तुम्हें बताती फिरूं। और वैसे भी तुम छोटी हो, छोटी ही बन के रखो, अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश मत करो। मर्यादा? मर्यादा की बात कहां से आ गई दीदी? छोटी होने का ये मतलब तो नहीं कि किसी को जानने के लिए पूछा ही ना जाए? जानने लायक बात होती तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन है वो औरत जिसे दीदी मिलने जाती है और परेशान होकर आती है? थे लाली भैया? कहीं गया था मैं। हाँ, कहीं का कुछ तो नाम होगा। झूठ बोलना भी नहीं आता ना आपको? मैं क्यों झूठ बोलूंगा, कुछ कहा क्या मैंने? हाँ तो बोलिए ना, कहाँ गए थे? दीदी भी आपके साथ थी? नहीं नहीं, वो तो मेरे साथ नहीं थी। तो और कौन था? बस मैं ही था। झूठ बोल रहे हैं आप लाली भैया। मैं तो वीरेन भैया के काम से गया था। चेची का काम? कौन सा काम? वो नहीं बता सकता मैं। है कोई काम? उन्होंने बताने से मना किया। उसी औरत के साथ थे ना? नहीं, वो मेरे साथ थी। उनको मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर के पास? ओ, तो ये बात नहीं भी हो सकता है, पर सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा। जेठ जी ने मना किया है ना आपको किसी को कुछ भी बताने से? हाँ, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको भूख लगी होगी ना? फ्रिज में खाना रखा है, उसे गर्म करके खा लेना। मैं चलती हूँ। जी। मैं उससे बात कर चुका हूं। कामनी, अफसोस तो इस बात का है कि उसे अपने बाप के ऊपर भरोसा नहीं है। जाने दो जी, गुस्से में गया है। अरे जाने दो, ऐसे कैसे? अभी मैं जिंदा हूं, ऐसे कैसे चंदेल मेरे बेटे का हिस्सा अपने नाम लिखवा सकता है? गलती भी तो हमारे छोरे की है। गलती? गलती नहीं, ये विश्वासघात है, और इसके लिए उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। अरे ऐसा कहीं होता है कि खुद ही उसने जायदाद का हिस्सेदार मान लिया? जबकि सारी जायदाद मेरे नाम है। सोचो कामनी, अगर ये जायदाद तुम्हारे नाम नहीं होती तो क्या होता? तो क्या होता? अब तक चंदेल सिंह खा गया होता। पता नहीं,
के हो गया हमारी औलादों को। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? क्या? आप ऐसा करो, जितेंद्र ने उसके मामा के पास भेज दो। और देव ने समझाओ कि जिद छोड़ देवे, और प्रधान की छोरी ने उसके घर छोड़ के आवे। तुम्हारी सुई भी बस एक जगह टक जाती है, प्रधान की छोरी, प्रधान की छोरी, प्रधान की छोरी। अरे कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? पता नहीं प्रधान की छोरी के पीछे पड़ी रहती हो 24 घंटे। आप इतना गुस्सा क्यों करो? हाँ ठीक है, अटक जाती है मेरी सुई प्रधान की छोरी पे आके, और आगे भी ऐसे ही अटकती रहेगी। मने न भाग गया छोरी। जय शीतला माता। भाई देखो तो सही कौन आया है। चौधरी चंदेल सिंह। 100 बेशरम मरे होंगे तब एक चंदेल सिंह पैदा हुआ होगा। अरे चौधराएं दीदे पाड़ पाड़ के मन्ने के देखने लाग रही। उरे भी देखो कोई और भी आया है। आओ जी, और सरकारी भाषा में इंस्पेक्टर कहते हैं ने। आप इस चंदेल के साथ वीरेन को बुलाइए। आप ही का बेटा है ना वो? लेकिन इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या, बताइए तो सही। ना बतावेंगे। सब कुछ बतावेंगे, पहले अपने वो लाडले छोरे ने बुला तो लो। आपसे तो मैं बात ही ना कर रही हूं। इंस्पेक्टर साहब आप बताइए क्या किया हमारे छोरे वीरेन ने? अरे योग्य बताएंगे, मैं बताऊंगा। जान से मारने की धमकी दी आपके छोरे ने मन्ने। इस घर में सब्र है भी और नहीं भी। मैं आपकी बात समझी नहीं दीदी। अच्छा हुआ नहीं समझी तो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। और वैसे भी कौन सा मैं मना कर दूंगी तो तुम रुक जाओगी? पूछनी तो तुम्हें फिर भी है, पूछो। हाँ वो तो है। तो फिर पूछो। दीदी आप मैटरनिटी हॉस्पिटल गई थी ना?